सभी लोगों ने, सभी वक्ताओं ने जो विचार व्यक्त किया है आक्रोश के साथ किया है, और आक्रोश होना स्वाभाविक है। मैं लंबा कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हम लोग सामने में मैंने देखा कि लिखा हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, हिंदी में बोलते हैं प्रशासनिक खंड, तो मैं कहूंगा कि दिस बिल्डिंग बिलोंग्स टू हार्ट बोर्ड ऑफ हाउस। अब इसको हिंदी में कहेंगे कि इस भवन में उल्लू का पट्ठा रहता है। उल्लू का पट्ठा का इंग्लिश होता है हार्ट बोर्ड ऑफ आउल, आउल माने उल्लू। दूसरा, ये नाम लिखा है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, इसका नाम होना चाहिए यूजलेस ब्लॉक। यूजलेस का अर्थ होता है निकम्मा, और ब्लॉक का हिंदी होता है खंड, तो हिंदी में निकम्मा खंड और इंग्लिश में यूजलेस ब्लॉक। भैया आप डायरेक्टर हो, डायरेक्टर की जिम्मेवारी क्या होती है? जब आप अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर पाते हैं तो फिर यहां रहने का क्या औचित्य है? सचमुच में यदि कहा जाए तो रिम्स दूसरे का क्या इलाज करेगा, उसे खुद इलाज की जरूरत है, उसे खुद इलाज की जरूरत है। अभी मैं एक मीटिंग में और था, वहां पर इसके डिप्टी डायरेक्टर से मुलाकात हुई, सज्जन व्यक्ति लगे चूंकि मिलिट्री से आए, लेफ्टिनेंट कर्नल, तो उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई मैं अपने स्तर से सुधारने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन वाकई में लाइलाज है इसका इलाज। जितना हम और आप समझते हैं ना, वो है नहीं। कारण इसका है कि जिसके बारे में अभी आदित्य साहू जी का गुस्सा जो फूटा, सरकार पर फूटा, तो प्रारंभ वहीं से होता है। जब आप व्यवस्था नहीं देंगे, जब यहां के डॉक्टरों पर, यहां अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं लेकिन व्यवस्था खराब है, व्यवस्था ठीक करने की जिम्मेदारी डायरेक्टर पर होती है, निदेशक पर होती है। लेकिन मैंने कहा ना कि ये कामेश्वर प्रसाद है ना, बड़का निकम्मा आदमी है भाई, पद्मश्री है, ये पद्मश्रियों के पद्म विभूषण हो, क्या फर्क पड़ता है जी? जब आप रिम्स की व्यवस्था ठीक नहीं कर पाते हैं, ये बड़ा बड़ा भवन बना देने से थोड़े होता है। मैं तो आज 1968 से 52-54 साल पहले से इस अस्पताल को देख रहा हूं, पहले और आज में आसमान जमीन का अंतर है। ये पूर्वी भारत का सबसे बड़ा अस्पताल है, और यहां सिर्फ झारखंड के लोग नहीं बल्कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बहुत स्टेट से लोग मरीज आते हैं। यहां क्या है, अब यहां पर आप इमरजेंसी में भी जाते हैं तो कोई डॉक्टर जल्दी आपको नहीं मिलेगा, स्वाभाविक है, परिचित होगा,
कोई आता है दुमका से गोड़ा से, फोन करता है कि वहां देखिए कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, तो आप बात ही तो कर सकते हैं। लेकिन यहां स्थिति इतनी खराब है कि लोग तो बोलते हैं, मरीज बताता है कि डॉक्टर 24-24 घंटा तक देखने वाला नहीं होता। कौन देखता है यहां? सबरीलाल जी ज्यादा बेहतर जानते हो। तो यहां जो लड़के पढ़ते हैं वही आकर देखते हैं। अब वो लड़के पढ़ाई कर रहे हैं तो देखकर करेंगे क्या? हाँ, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और एक्सपेरिमेंट करने में, पढ़ाई में होता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने में जब तक डॉक्टर नहीं रहेगा, गाइड नहीं रहेगा, तो एक्सपेरिमेंट में तो मरीज की जान चली जाएगी। दूसरा बात, कभी यहां लड़ाई होता है तो सीपीएससी भी मदद करता है, यो बता देना। अभी 3-4 साल पहले बड़ी घमासान हुआ था, 2,000 लड़के हमारे आवास पर आए थे कि हम लोग को बचा लीजिए, बचा लीजिए। लेकिन मैं उन लड़कों से भी कहना चाहता हूं, आप सोचते होंगे कि आपके माता पिता खर्च करके आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जितना आपके माता पिता का खर्च नहीं होता है, उससे ज्यादा पैसा टैक्स पेयरों का खर्च होता है। ये प्राइवेट अस्पताल नहीं है, ये सरकारी अस्पताल है। इसलिए गरीबों के साथ, आखिर जो डॉक्टर है, जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, उसके भी रिश्तेदार कहीं होंगे, कल उनके साथ भी दूसरा डॉक्टर वही व्यवहार करेगा। दूसरा क्या है भाई, सचमुच मैं एक घटना बता रहा हूं आपको। वैसे तो अखबार में बराबर पढ़ते हुए मारपीट होते रहता है। एक हमारे पार्टी के कार्यकर्ता है, बहुत लोग जानते होंगे, बहुत पुराने, जनार्दन सिंह, एक्सीडेंट कर गए। मैं उस समय सरला बिरला स्कूल के पास था, फोन आया कि देखिए ना एक्सीडेंट कर गए, जल्दी रिम्स पहुंचिए। मैं पहुंचा, उनका बेटा प्रोफेसर है, आदि जी जानते हैं उनके बेटा को, वो भी था। अब इलाज करने में देरी हो रही थी, मैं पहुंचा, बहस होने लगी डॉक्टर उसमें। बाद में मैंने उस लड़के को समझाया, प्रोफेसर को, जनार्दन सिंह के बेटा को मैंने समझाया कि लड़ाई मत करो भैया, क्योंकि तुम अकेले हो, मैं भी हूं, ये सब आ जाएंगे तुरंत, हॉस्टल से ग्रुप बना के फिर हम लोग का हुलिया बर्बाद कर देंगे। पसंद आए तो यहां रखो और नहीं आए तो दूसरा हॉस्पिटल ले जाओ, अंत में उसको सेवा सदन ले जाएगा। ये स्थिति रिम्स की है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।